नमस्कार, केम छो? मजा ना? तो इसके पहले हमने एक वीडियो को सिस्टमेटिकली कंप्लीट कर लिया। आज हम दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, इसका काम क्या है और बॉन्ड ऑर्डर कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बुक पेन लेके बैठ जाइए और कंटिन्यू यहां पर देखिए जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। हालांकि मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, सुपर ट्रिक दूंगा इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, फाइंड आउट करने की। तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए, याद करो। मैं आपको लिखवाया था कि आपको याद है पीरियोडिक टेबल की पहली लाइन, पहला रो आपको याद है क्या होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही होता है। और उधर आपका नियोन, उसको हमको नहीं लिखना। हमने आपसे बोला था इसके ऊपर होता है एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में होते हैं चार इलेक्ट्रॉन, हाँ, इसके आउटर सेल में कितने होते हैं पांच इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में कितने होते हैं छह इलेक्ट्रॉन, कितने हुए, ज्यादा नहीं हो गए, दो छह, ठीक है, अब छह इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में तीन छह और एक सात इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो इनको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे हम वैलेंसी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, क्या बोला जाता था इनको, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अच्छी बात है यदि आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उनके आउटर में आता है आपका, इसके में वन आएगा पूरी फैमिली में वन आएगा, इसके आउटर में टू आएगा पूरी फैमिली में टू आएगा, इसके आउटर में थ्री आएगा पूरी फैमिली के लिए लागू होगा वो, ठीक है। उसी प्रकार से हम फ्लोरीन तक चले जाते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से हमने बोला था कि जब ये स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं ये स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होते होने के लिए क्या करते हैं ये अपने आपको, अपने आप को या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो अच्छा, ये ऐसा क्यों करता है, ये लॉस और गेन क्यों करता है बच्चों? ये इसलिए करता है क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था, या तो ये अपने आउटर सेल में आठ इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है या अपने आउटर सेल में दो इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं, जिसको हमने पढ़ा था डुप्लेट या ऑक्टेट, है ना। तो ये सारे क्या करते हैं, अपने इन इलेक्ट्रॉनों को लूज करना पसंद करते हैं या गेन करना पसंद करते हैं, किसके लिए, कि हमारे पास में जो उनका रूल था वो फुलफिल हो जाए, ऑक्टेट और डुप्लेट, ऑक्टेट और डुप्लेट। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोवेस्ट एनर्जी में रहना पसंद करता है, है ना, और वो चाहता है कि उसके पास कम से कम एनर्जी हो। इसलिए अब यहां से ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब ये बताओ, हमको इस इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करना है सात इलेक्ट्रॉन में, जब तो ये आठ हो पाएगा, है ना, सात और हमको बनाना है, कन्वर्ट आठ में करना है, इसलिए सात ये लेना चाहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन को सात इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन देना, सात इलेक्ट्रॉन लेगा जब जाकर कहीं आठ इलेक्ट्रॉन बना पाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, तो अपने आप दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसलिए इसके ऊपर आता है चार्ज वन, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है चार्ज आता है प्लस टू, क्योंकि भाई छह इलेक्ट्रॉन लेना और दो देना तो स्वाभाविक देना पसंद है, ये तीन लेगा कि पांच, सॉरी कट, ठीक है, ये तीन देना पसंद करेगा कि पांच लेना, तो स्वाभाविक है तीन देना पसंद करेगा, इसलिए चार्ज कौन सा आता है प्लस थ्री। अच्छा, ये चार लेना पसंद करेगा कि देना, ये कुछ भी कर सकता है, ले भी सकता है, लेगा तो माइनस फोर और देगा तो प्लस फोर, प्लस माइनस फोर। अच्छा, इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन है, आठ बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है, तीन की, तो ये क्या करेगा तीन इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, भाई पांच निकालने से अच्छा तीन ले लो। अच्छा, इसके आउटर में छह है, दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो आठ हो जाएंगे कि छह निकालना पसंद करेगा, तो स्वाभाविक लेना पसंद करेगा, लेते हैं तो माइनस चार जाता है, उसके बाद में आपके पास में कितना लेगा, दो की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसके आउटर में कितने हैं बच्चों, सेवन इलेक्ट्रॉन, कितने की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की, इसलिए हमारे पास में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेता है और लेने के लिए आता है माइनस चार्ज। तो ये तो हमारे पास में चार्ज आ गया। और हमने क्या बोला था, हमने बोला था चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, उसके बाद में इस प्रोसेस के बाद में आता है बॉन्ड। अब बनाएगा क्या बॉन्ड, अब यदि एक बार वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उसके बाद में बच्चों को बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब कितना बॉन्ड बनाएगा, जितना चार्ज है उतना ही बॉन्ड बनाएगा, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो हमने यहां पर ये बॉन्ड कितना बनाया, वन, तो ये इसके ऊपर एक चार्ज है इसलिए बॉन्ड बनाता है वन, इसका चार्ज दो है इसलिए बॉन्ड बनाता है दो, इसका चार्ज तीन है इसलिए बॉन्ड बनाता है तीन, इसका चार्ज चार है इसलिए बॉन्ड बनाता है चार, इस प्रकार से चार बना लेगा, ठीक है। इसका तीन चार्ज है इसलिए बॉन्ड बनाता है तीन, इसका दो चार्ज है इसलिए बॉन्ड बनाता है दो, इसका एक चार्ज है इसलिए बॉन्ड बनाता है वन,
ठीक है। तो अब बात यह है कि ये तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि भाई ये इतने बोन से ज्यादा नहीं रखेगा ना इतने बोन से कम रखेगा, तो यही उसका कहलाएगा हमारे पास बोन ऑर्डर। अब हमको ये निकालना है कि किस मॉलिक्यूल के बीच में कितना बोन ऑर्डर है। ये तो मैंने आपको बताया कि ये बोन हो सकता है। अब एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं फ्लोरीन ले लेता हूं यहां से, तो फ्लोरीन हमेशा कितना बोन बनाएगा, एक। जैसे आपने HF सुना होगा, तो ये देखो HF आप ऐसे ही लिखते हो, बोन कितना है आपका, एक एक। मैं यहां पर एग्जांपल यहां लिख के बता देता हूं आपको, अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा HF, देखो इसने कितना बोन बनाया, एक। फ्लोरीन ने हाइड्रोजन कितना बनाया, एक, क्योंकि लिथियम के ऊपर क्या है आपका, हाइड्रोजन भी तो यही है ना, पूरी फैमिली की बात हो रही है। यहां पर क्या है आपके पास में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो भी कितना बोन बनाएगा, एक। अच्छा दूसरा लिख लो आप, ये समझ लिख लो आप, यहां से फ्लोरीन के नीचे दूसरा ले लो, Cl ले लो, ये Cl ले लिया, यहां से आप Na ले लो, भाई लिथियम सोडियम पोटेशियम से आप Na ले सकते हैं, तो आप Na ले लो। तो हम फार्मूला यहां क्या बना दें, Na Cl, देखो Na के पास कितना बोन है, एक, Cl के पास कितना बोन है, एक। एक बोन बनाया ना, तो ये वाला एक बोन बनाएगा, देखो एक ही बोन बनाया, यहां से आपने ले लिया Na, ये ले लिया Na, Na यहां से ले लिया आपने Cl, ये ले लिया Cl, तो यहां से हमारे पास में बच्चों कितना बोन बनाया उसने, एक बोन बनाया। अच्छा अब ये दो बोन बनाता है, कैसे दो बोन बनाता है, आपने सुना होगा O2, आपने सुना है ना O2, O मतलब ऑक्सीजन, डबल बोन ऑक्सीजन, जब तो ये बना O2, हाँ या ना, बना कि नहीं O2। अच्छा दूसरा आपने सुना होगा CO2, तो CO2 में क्या करते हैं, एक C होता है, डबल बॉन्ड O होता है, डबल बॉन्ड O होता है। देखो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड है, एक और एक दो, इस ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है, एक और एक दो, और कितना बनाता है ऑक्सीजन बॉन्ड, दो बनाता है। अच्छा कार्बन के कितने बॉन्ड है, चार, एक दो तीन चार, ये देखो कार्बन के कितने बॉन्ड है, चार। बात सही में नहीं आ रही, आ रही है ना, तो हमारे पास में ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो हम बोलेंगे कि भाई ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आप क्या बोलोगे, दो है। कार्बन का बोन ऑर्डर कितना है, चार है, एक दो तीन चार, चार बोन से घिरा हुआ है इसलिए बोन ऑर्डर कितना है, चार है। कार्बन का बोन ऑर्डर कितना हुआ, चार हुआ। ऑक्सीजन का बोन ऑर्डर कितना हुआ, दो हुआ। इस ऑक्सीजन का कितना हुआ, दो हुआ। तो ये होता है बोन ऑर्डर, कि बोन का ऑर्डर क्या है, बोन का ऑर्डर क्या है। अच्छा तीन वाला एग्जांपल देख ले, यहां पर मान लीजिए हमारे पास में नाइट्रोजन दे दो, क्या दे दे, नाइट्रोजन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कहां ले लेते हैं नाइट्रोजन वाला एग्जांपल। अच्छा ये लिख लिया ना, इसको मिटा देते हैं, नहीं मिटाओ तो चलो यहां से लिख लो, यहां पर मैं इसको करा देता हूं। नाइट्रोजन आपने सुना होगा N2 गैस सुना है ना, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, तीन। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तीन है, इसलिए इनके बीच में बॉन्ड कितना होगा, तीन। अच्छा आपने सुना होगा होगा NH3, ये देखो ये लिख लिया आपने नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कहां का है, इस वाली लाइन का, बॉन्ड कितना बनाता है, एक। देखो इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक, इसका भी एक और इसका भी एक, तीनों हाइड्रोजन के एक एक बॉन्ड ऑर्डर है। अच्छा नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तीन, एक दो तीन। मतलब कि कैपेसिटी क्या है, जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें बॉन्ड का ऑर्डर क्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास बॉन्ड का ऑर्डर दो है, इस वाले मॉलिक्यूल में, CO2 के मॉलिक्यूल में बॉन्ड का ऑर्डर दो है, बिटवीन ऑक्सीजन और कार्बन, बिटवीन ऑक्सीजन और कार्बन, है ना। हम कह सकते हैं कि भाई NH3 में बोन ऑर्डर कितना है, तो अपन क्या बोलेंगे, बोन ऑर्डर हमारे पास में कितना है, यहां पर हाइड्रोजन ने एक बनाया, इसने एक बनाया, इसने एक है, है ना। तो बोन ऑर्डर नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का है हमारे पास तीन, बोन ऑर्डर नाइट्रोजन का कितना है, तीन, हाइड्रोजन का कितना है, एक। अच्छा नाइट्रोजन का कितना है, तीन, इसका भी कितना है, तीन। अच्छा कार्बन का बोन ऑर्डर कितना है, चार, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है, दो, ठीक है। बोन ऑर्डर बात समझ आ रही है, मतलब दो के बीच में कितना बोन बनेगा। अच्छा इसके बाद में हम बात करते हैं बोरोन की, फीलिंग समझो बच्चों, फीलिंग। अब यदि कुछ अग्गे पीछे मैंने बोल दिया हो तो उसको आप पकड़ के मत चलो कि हमने ये बोल दिया, अब फीलिंग समझो कि हम समझाना क्या चाहते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अब ये मत समझना सर न जाने क्या बोल रहा है, यदि इतना भी आपको नहीं मालूम तो फिर यार कुछ पढ़ने का मतलब नहीं है। आप मैं फीलिंग समझो ना, आप मतलब समझ रहे हो ना, आप क्या है, हो सकता है मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, जहां तक मैं समझ रहे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हाँ। अब यहां पर हमारे पास बोन ऑर्डर कितना है, चार, ये तो मैंने देख लिया, इसका एग्जांपल ये लिख दिया हमने CO2, है ना, इसका एग्जांपल हमारे पास में ये हो गया, देखो चार चार है हमारे पास में, ये चार हो गया, है ना। अब हमारे पास में इसका एक और चाहो तो लिख लो CH4, आपने सुना होगा, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। तो कार्बन का बोन ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास में, चार होता है, ये देखो एक दो तीन चार, चार कार्बन से घिरा हुआ है, चार कार्बन से घिरा हुआ, ये होता है हमारे पास बोन ऑर्डर। अच्छा अब हमारे पास बोरोन देख लो, आपने सुना होगा BH3, सुना होगा आपने, तो ये हुआ B, ये हुआ H, ये हुआ H और ये हुआ H, BH3 होता है, इसका बोन ऑर्डर कितना है, तीन। आपने सुना होगा AlCl3, तो यहां से देखो ये हुआ एल्यूमिनियम, भाई इसी का है मेंबर, ये हुआ एल्यूमिनियम, ये आपका Cl, ये भी आपका एक Cl, ये आपका एक Cl और, है ना। तो हमारे पास आप देखो एल्यूमिनियम का कितना बोन है, एक दो तीन चार, भाई एल्यूमिनियम का भी सॉरी एल्यूमिनियम का कितना बॉन्ड है, एल्यूमिनियम का बॉन्ड है एक दो तीन, एक दो तीन, एल्यूमिनियम कभी भी तीन बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा,
बस समझ आ रही है। तो हमारे पास में यहां तक हमने आपको समझा दिया। अब हमारे पास में बात आती है बेरिलियम की। अब बेरिलियम में आप BeCl2 आपने पढ़ा होगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, BeCl2। मैं यहां पर लिख देता हूं इसका एग्जांपल, ये लिखा हमने Be, ये लिखा Cl, ये लिखा Cl, आप ऐसे लिख लो BeCl2। अब देखो बेरिलियम के आसपास में कितने बॉन्ड है, दो। अच्छा क्लोरीन के आसपास में कितने बॉन्ड है, एक। यहां देखो क्लोरीन के आसपास में एक ही बॉन्ड होता है क्योंकि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, कितना बॉन्ड होता है, एक होता है। अच्छा यहां भी देखो एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, एक दो तीन, लेकिन क्लोरीन के पास कितना है, एक एक और एक। अपने ज्यादा, अपने से ज्यादा बॉन्ड नहीं ले सकता, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने ही बॉन्ड लेगा। ये कहे कि जितनी उसकी औकात है उतनी ही बॉन्ड लेगा। कितनी औकात है इसकी, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड से ज्यादा नहीं लेगा, उसकी कैपेसिटी नहीं है यार, इस ग्रुप की कैपेसिटी नहीं है एक बॉन्ड से ज्यादा ले, तो बॉन्ड नंबर कितना होगा इसका, एक। इसकी कैपेसिटी नहीं है दो से ज्यादा ले, कैपेसिटी है ही नहीं, तो क्या करोगे, दो से ज्यादा दोगे आप, नहीं दे सकते आप, तो कितना होगा, दो। कितना होगा, तीन। ये कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर। इसका तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, कौन सा एग्जांपल लिया था, वहां देखो NaCl लिया था, KCl ले लो, KBr ले लो, लो KBr, देखो KBr बनता है ना आपका, ऐसे ही होता है KBr, ये लो KBr। तो हम कैसे लिखेंगे, K और Br, K ने कितना बॉन्ड बनाया, एक, Br ने कितना बनाया, एक। तो कुल मिला के ये सारे पंगे किस पे आधारित है, बॉन्ड ऑर्डर। यदि आपको ये नहीं पता बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां से तो शुरुआत होती है, ये तो आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, यही मेन पॉइंट है कि बॉन्ड कितने बनाएगा। तो यदि आज से पहले पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो याद रख लो क्या, कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा एक, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा दो, इसका तीन, इसका चार, इसका तीन, इसका दो, इसका एक। ये तो हुआ सिंपल के लिए, एक छोटी सी ट्रिक समझने के लिए बेसिक। लेकिन लेकिन इसके बाद भी बॉन्ड ऑर्डर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हुआ करते हैं। एक टाइप तो ये हो गया, अब बॉन्ड ऑर्डर का दूसरा टाइप आया, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप। अब हमारे पास में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों, वो डिफरेंट टाइप से भी होता है, आयंस का भी बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास में देखो, मैं कंफ्यूज मत होना तो बताऊं मैं, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, ठीक है। देखो हमेशा याद रखो, ये तो हमेशा इतना होता है इनका, तो ये तो फिक्स होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। हाँ इसके नीचे भी आप फिक्स कह सकते हो, लेकिन ये आपका फिक्स नहीं होता, इनके नीचे वाले ग्रुप का फिक्स नहीं होता, इन ग्रुप के लिए, इसके लिए नाइट्रोजन के लिए तीन फिक्स है, इसके लिए फिक्स है, लेकिन इसके आगे ये फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है। इसके लिए हमेशा ऑलवेज 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 आपका इतना ही रहेगा, लेकिन इसके लिए ऑलवेज नहीं होगा, ये फिक्स नहीं है यहां, बस समझ, ये चेंज होता जाता है, ये क्या होता है, नॉट फिक्स, चेंज हो जाएगा, ये क्या होता है आपका, चेंज हो जाता है। तो हमारे पास में ये इसके बीच में भी आपको, इसको आप इसी में ले लो, ये भी आपका फिक्स होता है, ऐसे मान के आप चलो, ये फिक्स होता है, ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एग्जांपल जैसे लिथियम का ये है, तो इसका सबकी फैमिली का यही होगा वन, इसका दो है तो सबकी फैमिली का आपका दो ही होगा, इसका तीन है तो सबकी फैमिली का तीन ही होगा, इसका चार है तो सबकी फैमिली का चार ही होगा। लेकिन लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इनमें ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन का देखो कितना होता है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, यहां बॉन्ड ऑर्डर दे देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर बेटा, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर तीन भी होता है और आपका चार भी होता है, नाइट्रोजन चार बॉन्ड भी बनाता है। एग्जांपल के लिए आपने सुना होगा NH4, NH3 सुना है ना आपने, ये NH 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 तीन बॉन्ड हो गए। अच्छा आपने ये भी तो सुना है NH4, एक दो तीन चार, लेकिन उस केस में प्लस चार्ज आ जाता है ना। अच्छा नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस देखो, फास्फोरस ये तीन बनाता है और पांच बनाता है, जबकि यहां पर ऐसा नाटक नहीं था। लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम ने भी कितना बनाया, एक। सोडियम के नीचे पोटेशियम है, उसने भी कितना बनाया, एक। लेकिन ऐसा नहीं है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब वाई फाई ये एक ही लाइन के हैं, इसका एक समान होना था, लेकिन ये क्या PH3 बनाता है, वो PCl3 बनाता है, बना लिया, और यहां से PCl5 भी बनाता है, PCl5। देखो Cl कितने हैं, तीन, Cl कितने हैं, पांच, कैसे बनाएगा ये P, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड, Cl 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 Cl।
तो हमने यहां पर PCl5 का बना लिया। अच्छा अब हमारे पास में आती है बात ऑक्सीजन की, तो यहां हम लिखते हैं ऑक्सीजन। ध्यान से देखना ऑक्सीजन की क्या है ना बच्चों, वैलेंसी फिक्स नहीं होती। देखो माइनस टू तो होती है, ठीक है माइनस टू भी होती है, क्या आपको मालूम है ये माइनस हाफ भी रखता है, क्या मालूम है आपकी ये माइनस वन भी रखता है। ऑक्सीजन की माइनस टू होती है, माइनस हाफ वन होती है, माइनस हाफ होती है। अच्छा इसके साथ साथ ऑक्सीजन प्लस वन भी रखता है, मालूम है आपको। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ये तो आपको सुना ही होगा, इसके विषय में क्या देखा होगा H2O, तो मैं इसको यहां से लिख दूं HOH, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, इसको बोलते हैं परोक्साइड HOOH। इस केस में इसकी बैलेंस कितनी है माइनस वन, इस केस में बैलेंस कितनी है माइनस टू। तो ये है ऑक्साइड, ये है परोक्साइड। अच्छा ये भी सुना होगा, ये होता है सुपर ऑक्साइड, जैसे सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। ये Na ले लिया, यहां से आपका ये, यहां से आपका हमारे पास में क्या होता है ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्ड बना होता है, इसके ऊपर कितना हाफ बैलेंसी है माइनस टू, इसके ऊपर भी कितनी है माइनस टू, क्यों क्योंकि सोडियम के ऊपर कितनी है प्लस वन, सोडियम के ऊपर प्लस वन है, इससे दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, आधी ये लेगा आधी ये लेगा। तो सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है प्लस वन होती है, तो आप प्लस वन आधा इस पे आ गया आधा इस पे आ गया है ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड, इसको बोलते हैं परोक्साइड, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। अच्छा बात बचा प्लस वन, तो प्लस वन किसके साथ रखता है फ्लोरीन के साथ प्लस वन रखता है, फ्लोरीन के साथ क्या रखता है प्लस वन, मैं यहां लिख देता हूं ये फ्लोरीन और ये ऑक्सीजन, तो इसके इसमें इसकी बैलेंसी प्लस वन हो जाती है, इसकी माइनस वन होती है। फ्लोरीन भाई फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, किससे ऑक्सीजन से, इसलिए ऑक्सीजन को प्लस चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, फ्लोरीन के अलावा उसको कोई भी प्लस में नहीं बदल सकता, सिर्फ प्लस फ्लोरीन के साथ होगा तभी आपका प्लस आएगा। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम आती है, डोंट वरी इस कंडीशन को आप छोड़ो नहीं, लेकिन हाँ मैंने बोला कि वेरिएशन भी होता है, वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है आपका, ये आपका वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है आपका बच्चों वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है ना। अब ध्यान से देखना ये ऑक्सीजन हुआ, अब ऑक्सीजन के नीचे आता है हमारे पास सल्फर है ना, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है हमारे पास में सल्फर। अब सल्फर की कितनी होती है, सल्फर की दो भी होती है, सल्फर की चार भी होती है, सल्फर की छह भी होती है। देखो डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपका बॉन्ड बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाता है बॉन्ड, दो भी बनाता है चार भी बनाता है छह भी बनाता है ना। अब हमारे पास में इस प्रकार से ये जो बैलेंसी है ना, ये हमारे पास में कहीं बैलेंसी है या कहीं हमारे पास जो बॉन्ड है, इसीलिए इनकी क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना। अब यदि हम फ्लोरीन के नीचे वाली बात करें तो फ्लोरीन तो एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन हम यदि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितना है एक भी बनाता है, पांच तीन बॉन्ड भी बनाता है, पांच भी बनाता है और आपका सात भी बना सकता है ना। तो ये हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप के हैं। तो हमारे पास में पहला टाइप तो ये हुआ बच्चों, अभी आप ये समझो ठीक है, आगे आपको ये समझना है, जब ये समझ में आ जाएगा मतलब आप ये हुआ कि केमिस्ट्री पढ़ने के लायक हो गए, केमिस्ट्री समझने के लायक हो गए। तो अब ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं ना, बस इसी को कैलकुलेट करने के लिए कि किसके बीच में कितना ऑर्डर है। यार ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि कभी किसी के ऊपर आपका वन है टू है थ्री है, तो कहीं उसके पास माइनस हाफ भी हो जाता है, पांच भी हो जाता है, तीन भी हो जाता है, चार भी हो जाता है। तो इसी सब बातों को कैलकुलेट करने के लिए हम एक ट्रिक आपको देंगे जिससे कि हम इन सबको सोल्व कर सकते हैं, जिसका नाम है आपका बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक। वो इलेक्ट्रॉन सम मेथड पे आधारित रहेगी, तो इसके बाद में हम करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इनके पास बॉन्ड ऑर्डर कैसे हैं, कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इस वीडियो को तो हम यहीं रोक रहे हैं, लेकिन दूसरी वीडियो हम इसको बनाएंगे लेक्चर में, लेक्चर वन लेक्चर टू लेक्चर थ्री ऐसे हम बनाएंगे। तो उसमें सिस्टमेटिकली मैं आपको दो मेथड बताऊंगा बॉन्ड ऑर्डर की। तो पहली मेथड जो बताऊंगा वो तो सिंपल मॉलिक्यूल के लिए रहेगी, लेकिन जो दूसरी मेथड बताऊंगा, हाँ अब हमारे पास में एग्जांपल में बात करूं, जैसे आपसे वो लिया कि बताइए H2SO4 में सल्फर का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा या ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे है ना। तो बड़े मॉलिक्यूल के लिए छोटे मॉलिक्यूल के लिए हम क्या बनाएंगे ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक से हम आपको बताएंगे कि बॉन्ड कितना है इनके बीच में। तो ठीक है इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, इसके बाद में आप दूसरी वीडियो कंटिन्यू देखिए, इसी के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पे जाइए क्लिक कीजिए, आपके सामने हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर करके ट्रिक है, यदि नहीं मिले तो आप डालिए हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर बाय व्यास सर, तो अपने आप आपको ट्रिक मिल जाएगी ठीक है। तो यहीं इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं।